हूँ अर्पिता और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल अर्पिता किचन एंड क्रिएशंस में। ये जो वीडियो है ये है विशाखापट्टनम के कैलाशगिरी का। तो आज हम जा रहे हैं कैलाशगिरी। ये जो है ये जो कैलाशगिरी जाने का टाइम का वीडियो है, तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि कैलाशगिरी लिखा होगा हिल पे। तो थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में ही कैलाशगिरी यहाँ पे लिखा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाशगिरी बोल के। आज हम उधर जा रहे हैं, तो उधर जाने के लिए दो टाइप का रोड है। आप बाय रोड मतलब गाड़ी लेके जा सकते हैं, और एक है रोपवे का। तो आज हम जाएंगे रोपवे में। तो हम आ गए हैं रोपवे का जो है उसमें आ गए हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम जाएंगे रोपवे का टिकट लेने के लिए। तो अभी तो 10 बजा था, तो ये 11 बजे खुलता है, तो हमें एक घंटा वेट करना पड़ा यहाँ पे। फिर भी हमें टिकट नहीं मिला, हमें कम से कम यहाँ पे भी 2 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे एक्चुअली टिकट का प्राइस है चाइल्ड के लिए 80 रुपीज़ और एडल्ट के लिए 150 रुपीज़। आप जाएंगे और आएंगे दो टाइम का ही टिकट लेते हैं, 150 रुपीज़ पर पर्सन जाने आने के लिए, और चाइल्ड के लिए 80 रुपीज़। यहाँ पे तो भीड़ बहुत था, हमने 1 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पे टिकट मिला। अब हम जो नीचे से ऊपर रोपवे का जो है वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सीढ़ी होता है, अब सीढ़ी में आप इस तरह से जाएंगे। अब हम जाएंगे रोपवे में। मुझे तो थोड़ा थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, तो देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैलाशगिरी हिल पे, रोपवे में है। देखिए ये जो येलो वाला आ रहा है और वो रेड वाला जो है वो भी जा रहा है हमारे आगे। हम यहाँ पे अब पहुँच गए हैं, तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 1 से 2 बजे तक बंद रहता है, आप रोपवे का जो टिकट्स वगैरह है यहाँ पे बंद रहता है 1 से 2 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे लंच ब्रेक रहता है 1 से 2। तो ये है कैलाशगिरी हिल। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने का भी बहुत सारा यहाँ पे ऐसे राइड्स वगैरह हैं, और आपको दुकानें भी बहुत मिल जाएगी शॉपिंग के लिए, आप ले सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। और खाने के लिए भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं छोटा मोटा। देखिए यहाँ पे जो शिव जी का आपने वीडियो पे कहीं पे देखा होगा या सुना होगा, विशाखापट्टनम में इस तरह से कैलाशगिरी है और वहाँ पे शिव और पार्वती का इस तरह से देखिए 2 मूर्तियाँ हैं। आप अगर विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो कैलाशगिरी जरूर एक बार विजिट करिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। फ़ोटो का भी आप यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, यहाँ पे अच्छा भी मतलब फ़ोटोज लगता है। यहाँ पे देखिए एक आर्ट कर रही है। तो
ये मतलब 5 मिनट में उनका फेस का पूरा मतलब आर्ट बना लिए। अब हम चलिए नीचे चलते हैं फिर से। जब हम नीचे आए तो थोड़ा डर लगा क्योंकि बहुत स्पीड आ रहा था, तो थोड़ा सा बस डर लगा नीचे आने के टाइम। तो ये जो आगे है पूरा सी का ये व्यू है, पूरा विशाखापट्टनम टाउन का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।